नमस्ते बालाजी हिंदी टैरों में, मैं कृष्णादास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। ये लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट आएगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। आजकल त्योहार का मौसम चल रहा है तो हर तरफ थोड़ी सी माइक वगैरह चल रहा है, गाना बज रहा है, वो म्यूजिक हो रहा है, उसके लिए थोड़ा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 8 से लेके 14 अक्टूबर तक आप इसे देख सकते हो। तो देख लेते हैं पाइसिस, पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए। देख लेते हैं पाइसिस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, हालांकि ये नो कॉन्टैक्ट का नहीं है, लव एंड रिलेशनशिप का है, लेकिन मुझे लगता है रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, रिश्ता स्टकनेस में चला गया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेफिनेटली रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जिसकी वजह से रिश्ता बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। रिश्ते में जो लोग हैं, खास करके आप लोग, आपके जो पर्सन है मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोगों का रिश्ता जो है ये स्टकनेस में चला गया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हर्मिट, टू ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स के साथ। कोई बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये बहुत ज़्यादा इन दिनों परेशान है। एक तो अपना पोस्ट, अपना पोजिशन, अपना फैमिली, अपने बिजनेस, अपने काम, दूसरे ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इंडिसाइसिव हो रहे हैं, क्या करें, कौन से रिश्ते को रखे, कौन रिश्ता ना रखे, किस तरीके से रिश्ते में बिहेवियर करें। कभी कभी इनको ये लग रहा है कि ये थक चुके हैं दो रिश्तों में जगलिंग करते करते, तो इनको मूव ऑन कर जाना चाहिए, या तो ये मूव ऑन करके बैठे हुए हैं तभी ये रिश्ता स्टकनेस में चला गया है, और नहीं हुआ तो ये करने के बारे में करंटली सोच रहा है। ये दोनों रिश्ता रखना चाहते हैं जिसकी वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ इनके सोच का जो स्थिति है वो पूरी तरीके से परिस्थिति से मैच नहीं कर रहा है, स्टकनेस में चला गया है। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे, रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है, इमोशनल बैगेज भरपूर है, तो ये सोच रहा है कि भाई मुझे अभी रिश्ते से थोड़ी देर के लिए मूव ऑन कर लेना चाहिए, जब मुझे सब सही लगेगा तब मैं लौटूंगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप तो अपनी लाइफ में नया चाहते हो, रिश्ते में नई शुरुआत, दोस्ती,
फिनेंशियल स्टेबिलिटी, लेकिन आपके पर्सन क्यों इतना परेशान है देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जस्टिस, द एम्परर, थ्री ऑफ कप्स, आपको पता है इनके पास और रिश्ते हैं, आपके खुद के पास भी रिश्ते हो सकते हैं, ऐसा स्थिति मुझे दिखाई दे रहा है। आप रिश्ते को कैजुअल रिश्ता बनाना चाहते हो या फिर आप अभी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। जस्टिस का कार्ड आया है, मुझे लगता है आप रिश्ते से जस्टिस इसलिए मांग रहे हो कि पहले आपको ये बात पता नहीं थी, या फिर अभी जो स्थिति आपके सामने आ रहा है तो अभी आप इनके साथ जस्टिस करना चाहते हो या खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो, जो भी है आप पुरानी स्थिति को नहीं चाहते हो। आपका विश है, आपका विश पूरा हो जाए ऐसा आप चाहते हो। आप दोस्ती रखना चाहते हो, पार्टी शार्टी करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, लेकिन उतना सीरियसली रिश्ता नहीं हो रहा है, इस वजह से आप परेशान हो, या फिर ऐसा रिश्ता चाहते हो ये आप जानो, लेकिन इनके साथ रिश्ता रहना आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप खुद के लिए जस्टिस मांग रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, लेकिन पोजिशन है, लेकिन आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के रखा है, कुछ भी हो जाए किसी भी तरीके से आप इनके साथ अपना लाइफ आगे ले जाना चाहते हो और आप खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये इंसान आपके लिए यही आपका विश फुलफिलमेंट है। कभी कभी किसी के लिए ऐसा भी हो रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उनको रिश्ते में इनजस्टिस मिला है, तो अभी वो अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, अकेला रह के अपने डिग्निटी पोस्ट को मेंटेन करना चाहते हैं, पोजीशन को बरकरार रखना चाहते हैं, हायर पोस्ट को पाना चाहते हैं, बहुत अच्छे जगह पर खुद को ले जाना चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन किसी रिश्ते में फिलहाल नहीं रहना चाहते हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए है। खुश रहना चाहते हैं दोस्तों के साथ, किसी रिश्ते में पढ़कर किसी के साथ रहकर खुशी नहीं पाना चाहते हैं। जो लोग पूरी तरीके से अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं वो किसी भी रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, और ये जस्टिस इसलिए मांगते हैं कि इनको लगता है इनके साथ धोखा हुआ है, इनको झूठ कहा गया है, तो अभी ये खुद पर काम करना चाहते हैं, रिश्तों पर नहीं। ऐसे कुछ लोग भी हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। वैसे तो ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, रिश्ता स्टक हो गया है, ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है, और आप भी चाहते हो कि अभी रिश्ते में बहुत सीरियस कुछ नहीं हो। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं उनके साथ इनजस्टिस हुआ है तो जस्टिस मिल जाए, और या तो आपको जस्टिस मिला है कि इन्होंने पहले आपके साथ इनजस्टिस किया था, अभी आप जस्टिस की मांग कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है अभी आप रिश्ते में रहना ही नहीं चाहते हो, आप अपने लिए अपने तरीके से जीना चाहते हो, घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, आज़ादी को एंजॉय करना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी को एंजॉय करना चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना चाहते हो, लाइफ में अपने मर्जी से जीना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आगे चल के क्या चाह सकते हैं। लवर्स, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
लवर्स के कार्ड को आप क्लैरिफाई कर रहे हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स के साथ। आपके जो पर्सन है डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो पाइसिस, आपके पर्सन घर लौट रहे हैं, भाई परिवार को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, आपके साथ जैसा रिश्ता है वैसा रहे, और ये अभी अपनी शादी परिवार फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। जो लस्ट है, जो लव है, जो इनर पीस है, उसे ये तो रखना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन परिवार इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी। ये सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं परिवार के साथ, एक कंप्लीशन चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा है कि खुद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, अपनी तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हैं। अगर आप लोग लव रिलेशनशिप में हो, ये अभी और देर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनके पर्सन परिवार में लौटना चाहते हैं, आपके साथ जैसा रिश्ता है वैसा रहे, जैसा चल रहा था वैसा चले, क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि दो रिश्तों में जगलिंग कर रहा है आपके पर्सन, तो ये अभी परिवार के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके लिए सोच नहीं रहे, ऐसा नहीं है, ये रखेंगे दोनों रिश्ते, लेकिन इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इनका परिवार रहेगा आगे चल के। देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या होने वाला है। आप किसी लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई वर्गो, कैंसर, सारे राशि आ जाएंगे धीरे धीरे। आ भी गया। अच्छा, आप छोड़ना चाहते हो रिश्ते को, फ्रीडम। फूल के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं फूल के कार्ड को। जैसा कि मैंने कहा ना, ज़्यादातर लोग जो है वो रिश्ते से अभी फ्री होना चाहते हैं, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हैं। देख लेते हैं फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखो, फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्स, फोर ऑफ कप्स एंड द एम्परर के कार्ड के साथ, एम्प्रेस के कार्ड के साथ। डेफिनेटली जो आपको मिल रहा है उससे आप खुश नहीं हो, मतलब जितना आपको मिल रहा है, जिस तरीके से मिल रहा है, आपके रिश्ते में जितना आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उससे खुश नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सोचते रह जाओगे और उसको आप झेलते रह जाओगे, नहीं। आप रिश्ते से किनारा करना चाहते हो, आप में अकेलेपन को झेलना अच्छा लगेगा, लेकिन किसी के साथ रिश्ते बांटना नहीं। आप इनकी एनर्जी से थक चुके होंगे, आगे भी आपको ऐसा लगेगा कि ये कभी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, कभी घूमने चलो, कभी रिश्ते में रहो, कभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कभी मुझे घर पे काम है, तो आप इस तरीके से थक चुके हो, आगे भी आप और थक जाओगे। फिर आपको लगेगा कि भाई मुझे अकेला रहना, अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना है, दिखावे के रिश्ते में रहने से अच्छा है भाई मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना है, डर डर के, मर मर के, रोज परेशान होके जीने से अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँ। बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पहले से ही दिखाई दे रहा था। अब ये क्लियर होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपका दिल टूटेगा, आप परेशान रहोगे, फिर आपको ये लगेगा इनकी बातों में, ना बातों में भरोसा किया जा सकता है, ना इनकी नीयत पर। हालांकि मुझे दुख हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सैया जी से आज हमने ब्रेकअप कर लिया, फिर मेकअप भी करोगे आप, मतलब ब्रेकअप करने के बारे में सोचोगे और खुश रहने की कोशिश करोगे, दिखाओगे उनको कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अकेला हूँ, मैं खुश हूँ। हार्ट ब्रेक आपका होगा, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हो। देख लेते हैं आप रिश्ते की आउटकम। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करें।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं, अरे डेफिनेटली मूव ऑन कर रहा है कोई, क्योंकि एट ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आए थे। देखो आउटकम, एट ऑफ कप्स पहले भी आया था। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। हार्मेट का कार्ड पहले भी आया था बॉटम ऑफ द डेक में, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आए थे। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ। रिश्ते की आउटकम बहुत अच्छा नहीं है, अलग तरीके का है, कोई किसी के लिए एक इंच भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ सीक्रेट जो है वो रिवील होगा, जिसकी वजह से रिश्ता बैलेंस तो नहीं होगा लेकिन बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा। पेशेंस, कोई बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के इंतज़ार करेंगे, लेकिन फिर भी रिश्ते से कोई मूव ऑन कर सकता है, करने की चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। रिश्ता स्टकनेस में जा सकता है, रुक जा सकता है रिश्ता, आपको खराब लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई मुझे दिखाई दे रहा है और ये हो सकता है। पेशेंस बहुत रखने की कोशिश करेंगे आप लोग कि लड़ाई झगड़ा ना हो, चीज़ें सही हो जाए, लेकिन जो होना होता है वो होकर रहता है। तो रिश्ते से कोई मूव ऑन कर रहा है फिलहाल के लिए इमोशनल बैगेज के साथ। ऐसा नहीं कि बहुत खुशी खुशी मूव ऑन कर रहे हैं, नहीं, इमोशनल बैगेज के साथ। आप हो या आपके पर्सन हो, दोनों ही दुखी रहोगे, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता अभी के लिए, सप्ते के लिए ऐसा रहेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। लेट गो एंड हेल्पफुल पीपल, आपको चीजों को लेट गो करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, आपको अपना दोस्तों का जो सर्कल है उसे बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों से घुलिए मिलिए, खुश रहिए, पार्टी शार्टी कीजिए, घूमिए फिरिए, दिल को सुकून मिलेगा। आपको अपने दोस्तों में कोई बंदा या बंदी मिल जाएगी जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी, जिससे आप अपने रिश्ते के बारे में हेल्प ले सकते हो। कोई ऐसा मिल सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था, लेकिन वही बंदा या बंदी आपको आपकी इस वक्त में आपका हेल्प कर दे। तो और जो चीज़ें आपके साथ हो रहा है जो आपके लिए नहीं है, अगर वो आपको छोड़ के जा रहा है, तो आपको उन चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़नी चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।